तो फ्रेंड्स, जितेंद्र शर्मा इज़ हियर विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में स्ट्रीट फाइट के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। जब भी हम पे कोई अटैक करे तो अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हैं और उसको कैसे नॉकआउट कर सकते हैं बहुत जल्दी, एक या दो मूव में ही, और उसको हरा सकते हैं बहुत जल्दी। तो पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस की वीडियो वो बनाते हैं जो ताइक्वांडो, वुशू, मार्शल आर्ट, कराटे, ये गेम खेलते हैं। वो ब्लॉकिंग, मतलब कोई ऐसे पंच मार रहा है तो उसको ऐसे ब्लॉक कर दो, वो जो ब्लॉकिंग बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लॉकिंग गलत होती हैं, वो सही हैं, बट आप उनको जब ही परफॉर्म कर सकते हो जब आपने उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, अदरवाइज़ आप उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा जब भी फाइट होती है तो हमारा जो माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। अब वो कोई अटैक कर रहा है तो हम ब्लॉक, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी ब्लॉकिंग की, तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते उन ब्लॉक्स को, और फिर हम रवाए लगने के इंजरी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि तो जब भी फाइट होते हैं हम ऐसे ऐसे सिर्फ मारते हैं, बस ये सोचते हैं, दिमाग काम यूज़ में नहीं लेते, तो इसलिए हम उन चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते उन मूव्स को। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा जिससे आप इजीली जीत जाओगे और उसको नॉकआउट कर दोगे। हमारी पहली मूव है एल्बो का अटैक। आपको पता होगा हमारा एल्बो का जो ये वाला पार्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसकी लगती भी बहुत तेज है। इसको चिन पे अटैक करना है, जिससे अगर उसके एक बार में अगर उसके अच्छे से कनेक्ट हो गया तो समझ लो एक इसमें ही एल्बो में ढेर हो जाएगा, एबल नहीं रहेगा लड़ने के लिए। बताता हूँ कैसे। सपोज़ ये मेरा ओपोनेंट है, तो अब ये मेरे क्लोज है, अब मैं एल्बो का यूज़ इसलिए ले रहा हूँ, अगर मैं इसके पंच भी मार सकता हूँ, अगर मैं इसके पंच मारूँगा तो स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा नहीं लग पाएगी क्योंकि ये मेरे क्लोज है और मैं अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। बट एल्बो बॉडी के क्लोज होती है तो इसको मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ओपोनेंट है, हम क्लोज खड़े हैं और उसके ये एल्बो ये कनेक्ट कर दें, ये ऐसे अच्छे से। और इसके लिए एक और है, आप ये मार सकते हैं, इसके बाद आप इस साइड वाले पार्ट पे इस पे ऐसे ही मार सकते हैं, ये इनका यूज़ में ले सकते हैं। अगर ये अच्छे से कनेक्ट हो गए तो समझ लो फाइट वहीं ख़त्म हो जाएगी, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नॉकआउट हो जाएगा। और अगर वो फिर भी झेल जाए तो आप एक ये चीज़ और कर सकते हैं कि उसके एल्बो मारी तो क्या कि थोड़ा अनबैलेंस होगा उसका, थोड़ा माइंड काम करना थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है हमारे तो कभी तेज़ लग जाती है तो हमारे आँखों का भी धुंधला हो जाता है, तो ऐसा ही उसके साथ होगा। अच्छे से कनेक्ट हो गया तो हल्का सा पीछे हटेगा, देन आप हल्का सा खुद भी पीछे हो और एक ऐसे अपर कट और हुक मार दें, इसके बाद तो फाइट वहीं ख़त्म हो जाएगी, आपको आगे फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एबल ही नहीं रहेगा आपसे फ़ाइट करने के लिए। कैसे, ये एल्बो मारी, हल्का सा अनबैलेंस हुआ, बैक स्टेप लिया, अपर कट, हुक, बस ये दो पंच अच्छे से कनेक्ट कर दें। और एक बेसिक बताता हूँ, जब भी आप एल्बो को मारें ऐसे तो आपको सिंपल ऐसे ही नहीं मारनी, इसको पूरी ताकत के साथ मारनी है, पूरे बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से ऐसे। एक तो मैं ऐसे मार रहा हूँ और एक पूरा स्ट्रेच करके मार रहा हूँ, ये ऐसे और ऐसे। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें और ये ऐसी मूव्स हैं जो आप कभी भी यूज़ में ले सकते हो अच्छे से, तो इन पे फोकस करें। कभी भी आपकी फ़ाइट हो तो आप इनको यूज़ में लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, आप लड़ाई आगे से ना करें, आप पे कोई अटैक करे तो आप अपने डिफेंड के लिए ही, अपने आप को डिफेंस करने के लिए ही फ़ाइट करें, अदरवाइज़ फ़ाइट ना करें, इनकी प्रैक्टिस करें आप। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियोस में आपको और टिप्स बताऊंगा। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। फॉर मोर कीप सपोर्टिंग।